फेफड़ों की जो है सामर्थ्य के बारे में बताएंगे, यानी हमारे फेफड़े जो है वो कितनी मतलब ऑक्सीजन ले सकते हैं, कितनी CO2 रख सकते हैं, कितनी हम निकाल सकते हैं, उसके कैपेसिटी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फेफड़ों की सामर्थ्य में प्रवाही आयतन, जिसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, टूबी कहते हैं, श्वसन के दौरान अगर हम श्वसन सांस ले रहे हैं तो श्वसन के दौरान एक बार में ली गई क्या निकाली गई वायु का आयतन वो क्या कहलाता है, प्रवाही आयतन, और यह लगभग 500 ml होता है। दूसरा है उच्छ्वासास आरक्षित आयतन, जिसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, ERV कहते हैं, अब लंग्स है, इससे बलपूर्वक बाहर निकाली हुई वायु का जो आयतन होता है वो लगभग 1000 ml होता है, जैसे पूरी ताकत हमने बाहर निकाल दिया ठीक वायु, वो लगभग 1000 ml होता है, इसको ERV कहते हैं। तीसरा टाइप का है अंतःश्वसन आरक्षित आयतन, जिसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, लंग्स में बलपूर्वक दी गई वायु का आयतन, ये 25 से 3000 ml होता है, मतलब कितना मैक्सिमम हम ले सकते हैं अंदर जबरदस्ती। अब इसमें अवशेषी आयतन, यानी पूरे प्रयास से हमने क्या किया, लंग्स को खाली कर दिया, उसके बावजूद भी इसमें वायु बस्ती है 1500 ml की बस्ती है ठीक है। अगला देखो अंतःश्वसन क्षमता, जिसको कहते हैं IC या रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, अब IC का क्या होता है TB+IRV, ये TB है और ये IRV, इन दोनों का जोड़ जो कितना होगा लगभग 35 से कार्यात्मक औषधीय क्षमता, इनको फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं, FRC = RV + ERV ठीक, 1500 से +1000 = 2000 ml होती है। और सजीव क्षमता, जिसको वाटर कैपेसिटी कहते हैं, ये तीन चीज़ों का मिश्रण होती है, इसमें आपका टाइडल वॉल्यूम होता है, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, और ERV यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, तीनों को जोड़ 4500 ml के लगभग आता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि हमारी कैपेसिटी यानी मैक्सिमम कितनी ml जो है वायु अपने फेफड़े के अंदर रख सकते हैं, तो वो है 6000 ml होता क्या, इसको फेफड़ों की संपूर्ण क्षमता, इसको TLC कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी ठीक है, यानी हमारी जो क्षमता है लंग्स की वो कितनी है लगभग 6000 ml। और ये मिश्रण क्या होता है, इसमें टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व रेसिडुअल वॉल्यूम, इन सबका जो या वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वाइटलिटी, इन दोनों का मिश्रण करके हम निकाल लेते हैं 4500 + 1500 = 6000 ml, यानी 6000 ml वायु हम अपने फेफड़े में भर सकते, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते, ये कैपेसिटी है, इसको कहते हैं TLC, टोटल लंग कैपेसिटी।